हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ ये प्यारा सा बहुत खूबसूरत सा बॉर्डर डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं कार्डिगन में ब्लाउज के नीचे बॉर्डर में स्वेटर में जो बच्चों के स्वेटर बनाते हैं गर्ल्स के उसमें हम इसको बना सकते हैं जैकेट के बॉर्डर में बना सकते हैं जो बच्चों के हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उनकी स्लीप्स में आगे की साइड में हम इसको बना सकते हैं बहुत खूबसूरत डिजाइन है बॉर्डर है ये और आज हम इसको बनाएंगे इसको बनाने के लिए मैंने साठ फंदे लिए थे एक डिज़ाइन मेरा ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिज़ाइन है ये मैंने पंद्रह फंदों में बनाया है और इसके लिए मैंने दस नंबर की सिलायाँ ली हैं आप जो भी प्रोजेक्ट में ऊन यूज करें वो नॉर्मल ऊन ले लें और मैंने अपना एक ये क्रोशिया यूज किया है इसमें तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये बॉर्डर बनाना इसको बनाने के लिए मैंने ये बोल लिया है और दस नंबर की अपनी सलाई ली हैं तो चलिए फंदे डालना शुरू करते हैं यहाँ पर फंदे डालने के लिए मैंने ऊन को डबल कर लिया है जितना ऊन मुझे चाहिए था उस उतना ही मैंने यहाँ पर इतना ऊन डबल किया है और अब हम इसमें देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये यह जो खुला हुआ हिस्सा है मैं इसको ऐसे पकड़ लूँगी और अपने अंगूठे से इस तरीके से घुमाऊंगी यहाँ पर मैं सलाई लूंगी अपनी इस तरीके से और इस वाले हिस्से को सलाई के पीछे से घुमा के यहाँ से इस तरीके से लाऊंगी अब ये मैं यहाँ पर एक फंदा बनाऊंगी और यहाँ पर खुद से यहाँ पर नोट लग जाएगी और फंदे भी यहाँ पर बनने लगेंगे आप चाहें तो इसमें सिंपल नोट बना के भी इसको स्टार्ट कर सकती हैं तो चलिए शुरू करते हैं फंदे डालना इस तरीके से हम अपने फंदे डालेंगे ज्यादा टाइट फंदे नहीं डालने हैं हमें इस तरीके से फंदे बनाते हुए यहां पर हमें सिस्टी स्टिच लेने हैं साठ फंदे हमें यहां पर बना लेने हैं यहां पर मैंने ये साठ फंदे ले लिए हैं सिलाई में और पहली रो जो होती है वो मेरी उल्टी साइड से होती है तो हम अपनी रो कंप्लीट कर लेते हैं सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए पूरा कर लेंगे यहां तक जितने ही फंदे हैं मेरे सबको उल्टा बुन लेंगे हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है अब हम अपनी सेकंड रो करेंगे ये हमारी सीधी साइड है सीधी साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे यहां तक हमने अपनी सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है अब हम अपनी थर्ड रो करेंगे रोंग साइड से रोंग साइड से हमें फिर से सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए यहाँ तक हम अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे हमने अपनी थर्ड रो कंप्लीट कर ली है अब हम सीधी साइड आएंगे सीधी साइड हमें अपना डिज़ाइन शुरू करना है यहाँ से तो हम कैसे बुनेंगे देखिए हमने यहाँ पर सीधी बुनी है ये सिलाई और एक बार में हमें दो बार ऊन लपेटते हुए इसको बुनना है और पंद्रह फंदे हम इस तरीके से बुनेंगे तो देखिए एक दो हमें दो बार सिलाई पे ऊन को घुमाते हुए पंद्रह फंदे बुनने हैं इस तरीके से तो ये हमारे फोर फंदे हो गए हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये हमारे यहाँ पर फिफ्टीन स्टिच हो गए हैं पंद्रह फंदे हो गए हैं तो अभी हमें क्या करना है इन सभी फंदों को सिलाई से निकाल लेंगे इस तरीके से सलाई को हम वापस निकाल लेंगे इस तरीके से और अब हमें क्रोशिया की हेल्प से इन फंदों को लेना है तो हमें एक एक फंदे को इस तरीके से उधेड़ लेना है और क्रोसिया में हम इनको ले लेंगे इस तरीके से ध्यान रहे कोई फंदा छूट ना जाए सभी फंदों को ले लेंगे हम ये हमने सभी फंदों को इस तरीके से ले लिया है अब इन सभी फंदों में क्रोसिया से इस तरीके से यहाँ पर हम इनको निकाल लेंगे देखिए ये हमने निकाल लिया और हम इस इसको लूप को एक बार और लॉक कर देंगे टाइट से ये हमारा लॉक हो गया इस तरीके से अब हमें ये सिलाई लेनी है और यहाँ से एक फंदा उठाना है सबसे डाउन ये हमने सबसे डाउन से एक फंदा उठा लिया एक हमने ये इतना बुनने के बाद वापस हमें पंद्रह फंदे इसी तरीके से और बुनने हैं तो देखिए एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ये हमने पंद्रह फंदे बुलिए हैं अब इनको वापस से सिलाई से निकालेंगे और हम ये जो दो फंदे हमारे इधर के हैं इनको सिलाई में ही हम रहने देंगे हम सिर्फ पंद्रह फंदों को निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाले थे और क्रोसिया की हेल्प से हम इन सभी फंदों को खोल लेंगे ये हमने सभी फंदों को खोल लिया है और ये देखिए हमने इन में से निकाल लिया सभी फंदों को और इसको एक बार और नोट को पक्का कर देंगे यह हमने नोट पक्का कर दिया यहां पर और इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे अब देखिए जो हमने यहां पर ये यह है यहां से जो शुरू किया है तो हम यहां से एक बार और फंदे को इस तरीके से ले लेंगे और इस फंदे को सिलाई में डालेंगे ये देखिए आगे वापस हम पंद्रह फंदों को फिर से इसी तरीके से बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह हमने पंद्रह फंदे कर लिए हैं और अब हम इन पंद्रह फंदों को ही निकालेंगे इधर के जो चार फंदे हैं हम उनको नहीं निकालेंगे देखिए अब इनको क्रोशिया की सहायता से खोल लेंगे सभी फंदों को इस तरीके से और सभी फंदों से क्रोशिए से हम इस तरीके से फंदा निकाल लेंगे और इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे लॉक करने के बाद बीच से हम एक फंदा उठाएंगे इस तरीके से और इस वाले फंदे को भी हम सलाई में ले लेंगे इस तरीके से ये देखिए वापस ये हमारे अब पंद्रह फंदे बचे हैं इनको भी हम इसी तरीके से बुनेंगे एक दो तीन चार छ सात आठ नौ दस ग्यारह पंद्रह ये हमारे फंदे इस तरीके से हो गए हैं अब हम इन फंदों को भी सिलाई से निकाल लेंगे इस तरीके से सभी फंदों को खोल लेंगे क्रोशिया से और इनको हम यहां पे लॉक कर देंगे ये ये देखिए हमने यहां पर लॉक कर दिया है बीच से एक फंदा उठाएंगे यहां से और ये जो फंदा हमने क्रॉस यहां से लिया था इसको भी हम सिलाई में ले लेंगे और अभी यहां से एक फंदा इधर से डाउन उठाएंगे एक फंदा हमने यहां से उठाया था और एक फंदा हम यहां से उठाएंगे इस तरीके से देखिए हमारा डिजाइन बन गया ये इतना डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है ये इस तरीके से अब हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे तो देखिए इस फंदे को मैं सिलाई में ले लेती हूं सिलाई में लेने के बाद इस धागे को पीछे ले जाऊंगी और मैं क्रोसिया की हेल्प से इसमें फंदे बढ़ाऊंगी किस तरीके से बढ़ाएंगे देखिए यहाँ से हम क्रोसिया लेंगे और ये एक लूप निकालेंगे और इसको एक बार और लेंगे और इसको सिलाई में डालेंगे इस तरीके से आपको जितने भी फंदे बढ़ाने हैं एक साइड पे आप इस तरीके से उसको बढ़ा लें टाइट कर देंगे दो फंदे हमने यहां पे ले लिए हैं तीन एक बार और इसको पक्का करेंगे चार पाँच ये हमने एक साइड से पांच फंदे अपने उठा लिए इस तरीके से अब हम इसको बुनेंगे बीच वाला जो फंदा है हम उसको नॉर्मल ऐसे ही सीधा बुनेंगे उसके बाद पांच फंदे हमने इधर उठाए हैं और पांच फंदे हम यहां से यहाँ तक उठाएंगे तो हम इस वाले फंदे को निकाल देंगे क्योंकि हमने सेंटर में लिया था तो हम इसको निकाल देंगे हम यहां से यहां तक पांच फंदे उठाएंगे यहां से यहां तक पांच फंदे हम इसके बनाएंगे तो चलिए बना लेते हैं इसको एक बार और पक्का करेंगे एक ये निकाला इसको एक बार और पक्का करेंगे ये हमारा दो हो गए तीन चार और एक फंदा हम साइड से लेंगे ये हो गए हमारे पांच और एक फंदा बीचों बीच से सेंटर से बिल्कुल डाउन से लेंगे और इसको भी एक बार और पक्का करेंगे ये देखिए पांच फंदे हमने यहाँ से इधर लिए पांच फंदे हमने इधर लिए तो एक डिज़ाइन में हमने अपने दस फंदे बढ़ा लिए हैं और एक हमारा सेंटर का तो हमारे यहाँ पर टोटल ग्यारह फंदे बढ़ गए हैं अब इसी तरीके से हम आगे के फंदे बढ़ाएंगे यहां से यहां तक हम पांच फंदे बढ़ाएंगे बहुत आसान तरीके से फंदे बढ़ाने का तरीका है ये क्योंकि अगर हम सलाई से यहां पर फंदे बढ़ाएंगे तो हम प्रॉपर तरीके से उनको उठा नहीं पाएंगे दो फंदे बढ़ा लिए हमने यहाँ पर तीन आप चाहे तो सलाई से भी उठा सकते हैं चार और एक फंदा हम यहां से बढ़ाएंगे ये पांच पांच फंदे बढ़ा लिए हमने और इस बीच वाले फंदे को हम ऐसे ही बुलेंगे तो देखिए कितने अच्छे से फंदे उठते हुए आ रहे हैं और मैं अभी आपको सीधी साइड भी दिखाऊंगी इस फंदे को भी हम ऐसे ही निकाल देंगे अब हमें पांच फंदे यहां से यहां तक उठाने हैं, जो हमारा आधा डिजाइन है ये यहां से यहां तक पांच फंदे उठाएंगे एक दो तीन चार पाँच और एक फंदा हम बिल्कुल सेंटर से लेंगे देखिए इस तरीके से हम अपने फंदे बढ़ाते हुए आ रहे हैं इसमें सीधी साइड से दिखा देती हूँ आपको ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारे फंदे बढ़ रहे हैं यहाँ पर तो हम अपने इधर भी ये सारे फंदे इसी तरीके से बढ़ा लेंगे यहाँ से हम फंदे उठा लेते हैं और मैं आपको बाद में दिखाती हूँ फाइनल कैसा लुक आया इसका देखिए हमारा ये पैटर्न बन के रेडी हो गया है और इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है आप बनाए इसको बहुत प्यारा है ये और देखिए मैंने जो यहाँ पे फंदे उठाए हैं बढ़ाए हैं ये ये भी कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें आए हैं अगर आपको फंदे और बना बढ़ाने हैं तो आप इसमें यहाँ पर फंदे और बढ़ा सकती हैं एक एक से एक एक फंदे से दो दो फंदे और इसमें एडजस्ट कर सकती हैं जितने भी आपके आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप बनाएँ सभी फ्रेंड्स में शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू